दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देशों दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले नागरिकता कानून को पलटना असंभव, कभी वापस नहीं होगा कानून। दरअसल CAA लागू होने के बाद से ही विपक्ष से विभाजनकारी कानून बताने में लगा है। विपक्षी दलों के जरिए मिलकर बने इंडिया गठबंधन ने कहा कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो नागरिकता कानून को रद्द कर देंगे। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता कानून को पलटना असंभव है, यह संवैधानिक कानून है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता कानून को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा और हम इस पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है क्योंकि उसे वोट बैंक को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास में कोई काम नहीं है, उन्होंने अभी तक जो भी कहा है उसे पूरा नहीं किया है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने ईवीएम मशीन को लेकर चुनाव आयोग पर बोला जबरदस्त हमला, बोले पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम हटाओ लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम मशीन का जिन्न बाहर आ गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी चरण में महाराष्ट्र पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम मशीन हटाओ लेकिन चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के बारे में बार बार कहने के बावजूद चुनाव आयोग नहीं सुन रहा। राहुल गांधी ने ईवीएम को हटाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, अब घरों में नहीं पाल सकेंगे पिटबुल या विदेशी नस्ल के कुत्ते, सरकार ने 23 नस्लों पर लगा दिया बैन। दरअसल बीते कुछ सालों में विदेशी कुत्तों के काटने से इंसानों की मौत की दर्दनाक घटनाएं सामने आई। अब केंद्र सरकार ने इसके मद्देनजर एक बड़ी पहल की है। सरकार ने विदेशी नस्ल के 23 कुत्तों के रखने पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है। इनमें पिटबुल, रॉटविलर, टेरियर जैसे विदेशी नस्ल के पसंदीदा कुत्ते शामिल हैं। बैन के बाद इन नस्ल के कुत्तों को ना तो कोई पाल सकेगा और ना ही बेच पाएगा क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए लाइसेंस नहीं देगी। अगली बड़ी खबर, CAA को लेकर ममता बनर्जी ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोली असम की तरह बंगाल में नहीं देंगे डिटेंशन कैंप की इजाजत। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अब असम की तरह पश्चिम बंगाल में डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देंगी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि CAA NRC से संबंधित है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम असम की तरह डिटेंशन कैंप नहीं चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, CAA के समर्थन में उतरा अकाली दल, कहा जो एक्ट पारित हो गया उसे लागू करना चाहिए। दरअसल श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने CAA को लेकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए अच्छा होगा कि अगर मुसलमानों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिल पारित हो गया, इसीलिए हमारा रुख यही है कि जो एक्ट पारित हो गया है उसे लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उसके संबंध में आने वाले दिनों में चर्चा की जा सकती है क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बना उन्हें इसका लाभ मिलना ही चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने PM मोदी से की बड़ी अपील, बोली जिद छोड़ देनी चाहिए और लोगों की आवाज सुननी चाहिए। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर चल रहे आंदोलन को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का समर्थन मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। अगली बड़ी खबर, शाहजहां शेख पर ईडी का एक्शन, 4 जगहों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज शाहजहां शेख के जरिए संदेश खाली और उसके आसपास जमीनों को कब्जाने और राशन घोटाला मामले में छापेमारी की है। ईडी ने इस मामले में PMLA के तहत केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर 4 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM UP में अकेले ही लड़ेगी चुनाव, अखिलेश यादव समझौते पर नहीं हुए तैयार। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM UP में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनने पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने कहा कि जल्द ही 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। यूपी से पहले बिहार में भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, आज चुनाव आयोग को मिल जाएंगे नए चुनाव आयुक्त, सर्च कमेटी ने चयन समिति को भेजे नाम। दरअसल अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देने और अनूप चंद पांडे के रिटायरमेंट के चलते चुनाव आयोग के 2 पद खाली पड़े हैं। इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी ने आज चयन समिति को नाम भेज दिए हैं। ईडी के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा और निवर्तमान NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सर्च कमेटी ने लिस्ट में पूर्व CBDT प्रमुख PC मोदी,
जेबी महापात्रा और राधा एस चौहान का नाम भी भेजा है। दोनों पदों की नियुक्ति के लिए आज चयन समिति की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। समिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, ओटीटी के अश्लील कंटेंट पर मोदी सरकार बेहद सख्त। 18 प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक, 19 साइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ भी सख्त एक्शन। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। गुरुवार को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देश भर में ब्लॉक कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर की ओर से बार बार प्लेटफॉर्म्स को आगाह किया गया था कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और अश्लील, गंदे, भद्दे और पॉर्न कंटेंट को बढ़ावा न दें। अगली बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। नई लोकसभा गठन के साथ जारी की जा सकती है अधिसूचना। दरअसल एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कानून मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी देते हुए आधिकारिक बयान में बताया गया कि ये रिपोर्ट 18,626 पेज की है। जानकारी के मुताबिक कोविंद समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर जाएं तो इसी साल नई लोकसभा के गठन के साथ अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, अमित शाह के बयान पर भड़के कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, बोले कोर्ट तय करेगा सीएए का भविष्य। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने नागरिकता कानून को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने आबादी और रोजगार के आधार पर नागरिकता कानून पर सवाल उठाए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सरकार बनने पर क्या नागरिकता कानून वापस लिया जाएगा, तो इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस कानून को अदालत में चुनौती दी जाएगी और अदालत ही आगे का भविष्य तय करेगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर जमकर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, बोले बंगाल में भाजपा की सरकार भी बनेगी और नागरिकता कानून भी लागू होगा। दरअसल देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। भाजपा इसे मोदी की एक और गारंटी पूरा करने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्षी दल खासकर टीएमसी इसका खुलकर विरोध कर रही है। टीएमसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और बंगाल में होने वाली घुसपैठ पर रोक लगेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार भी बनेगी और नागरिकता कानून भी लागू होगा। अगली बड़ी खबर, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं चुनाव। दरअसल चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ देश में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजनीतिक दलों को कई तरीके के प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 12 महीने एक ही ड्यूटी करने वालों को करना ही होगा परमानेंट। अनुबंध कर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर साल भर और स्थायी प्रकृति के पदधारी जैसा काम करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है और उसकी नौकरी स्थायी करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि स्थायी या फिर 12 प्रकृति का काम एक अनुबंध कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे स्थायी किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को खुले मंच पर आने की दे डाली खुली चुनौती। बोले नागरिकता कानून से आपको दिक्कत क्या है, खुले मंच पर करें चर्चा। दरअसल समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को मंच पर आकर खुलकर नागरिकता कानून पर अपनी राय रखने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे इस मुद्दे पर विस्तार से राहुल गांधी का इंटरव्यू करने और आम जनता को नागरिकता कानून के विरोध की वजह समझाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आपकी ये जिम्मेदारी होती है अपने फैसलों पर स्पष्टीकरण दें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर नागरिकता कानून का फैसला मेरी सरकार की तरफ से लिया गया है तो मुझे अपनी पार्टी का मत समझना होगा। इसी तरह राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि वे इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने अपनी दूसरी लिस्ट कर दी जारी। दूसरी लिस्ट में 72 नामों की घोषणा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भी भूचाल आ गया है। पार्टी ने एक केंद्र मंत्री समेत कुल 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। इससे पहले भाजपा ने 2 मार्च को गुजरात की 15 लोकसभा सीटों समेत 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे और अब
बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक कई दिग्गजों को दिया टिकट। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली की बची हुई 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। वहीं दादर नगर हवेली से कलाबेन देलकर को टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल के हमीरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, नागपुर से नितिन गडकरी, करनाल से मनोहर लाल खट्टर को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 15 महिलाओं को भी मिला टिकट। पंकजा मुंडा और महारानी कृति सिंह के नाम भी शामिल। दरअसल बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 12 वीवीआईपी उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने 15 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की बीड सीट से पंकजा मुंडे और त्रिपुरा पूर्व सीट से महारानी कृति सिंह देव वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छलका दर्द, बोले चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, खातों पर रोक को बताया वजह है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दिया कि पार्टी के पास पैसे की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों द्वारा दिया गया चंदा जिन बैंक खातों में जमा किया गया था उन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है तथा आयकर विभाग ने पार्टी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों का आह्वान किया कि वे देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मजबूती से खड़े हों और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के शरणार्थी, घर के बाहर कर दिया जोरदार हंगामा। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर केजरीवाल ने कहा कि यदि बड़ी संख्या में शरणार्थी आएंगे तो रेप और चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। इसको लेकर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास के पास जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही नागरिकता कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें लेकर दिए गए बयानों पर उनसे माफी की मांग की। प्रदर्शनकारी चंदगीराम अखाड़े के पास एकत्र हुए और केजरीवाल के बंगले की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केजरीवाल को नागरिकता कानून और शरणार्थियों के खिलाफ अपने बयान वापस लेकर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, ट्रेन और बसों से दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे किसान, राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। दरअसल किसान महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इस बैठक के जरिए सरकार को मैसेज दिया गया है कि हम सभी एक हैं, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को बातचीत के जरिए हमारी मांगों को लेकर रास्ता निकालना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का दल फरीदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। इसे लेकर पुलिस सतर्क नजर आई। दिल्ली जाने से पहले किसान पलवल में इकट्ठा हुए और ट्रेन और बस में सवार होकर दिल्ली के लिए रामलीला मैदान के लिए रवाना हो गए। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस बेहद सतर्क नजर आई। बताया जा रहा है कि किसान 23 मार्च को देश भर में बड़ा आयोजन कर सकते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत कर किसानों ने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के दफ्तर पर चल रहे जुए के अड्डे का हुआ भंडाफोड़, लग्जरी गाड़ी, 15 मोबाइल फोन और लाखों का कैश किया गया जब्त। दरअसल ग्वालियर के बिजौली थाना पुलिस ने जुए के एक बड़े फड़ पर छापा मारकर 15 ज्वारियों को दबोच लिया। पुलिस के छापे के बाद यहां भगदड़ मच गई। पकड़े गए ज्वारियों के कब्जे से ताश की गड्डियां और 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। पकड़े गए ज्वारियों में रेत कारोबार से जुड़े लोग, व्यापारी, ठेकेदार, प्रॉपर्टी डीलर और पड़ोसी जिले के मीडिया से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं। खास बात यह है कि जहां पर यह जुआ अड्डा चल रहा था उस पर कांग्रेस कमेटी भिंड जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा का बड़ा बोर्ड लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कुशवाहा के भी मौके पर मिलने की बात कही जा रही है। अगली बड़ी खबर, रामलीला मैदान में जुटे किसान, केंद्र के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी, महापंचायत के चलते दिल्ली में लगा जाम। दरअसल किसानों ने आज महापंचायत बुलाई थी। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे, एमएसपी समेत तमाम मांगों को लेकर किसानों ने ये महापंचायत बुलाई थी। रामलीला मैदान में किसानों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की महापंचायत के चलते दिल्ली में कई जगहों पर जाम की समस्या भी रही। इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों की महापंचायत के चलते बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।